हेलो दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हो आप सब? स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नौकरी वाला में। तो आज की जो वैकेंसी आ रखी है वो आ रखी है यहाँ पे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की तरफ से। बम्पर भर्ती का ऑफिशियली नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा, जिसके अंदर बिल्कुल फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी टाइप का कोई एक्सपीरियंस यहाँ पे नहीं मांगा गया। अगर आप इंडिया में कहीं से भी बिलोंग करते हैं बिल्कुल आप एलिजिबल रहेंगे। ऑल इंडिया के कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, कौन कौन एलिजिबल रहेगा, कौन कौन सी ब्रांचेज एलिजिबल रहेगी, साथ ही साथ आपको अप्लाई कैसे करना है उस प्रोसेस के बारे में। तो अगर आप एलिजिबल होते हैं तो वीडियो को ध्यानपूर्वक पूरा देख लेना, मैं आपको अप्लाई करके दिखा दूंगा इसी वीडियो के अंदर। और अगर आप एलिजिबल नहीं रहते कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना, हमको मोटिवेशन बना रहता है। साथ ही साथ इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर आप अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन कमेंट करके बता देना और आप कौन सी जॉब सर्च कर रहे हैं वो भी बता देना, क्योंकि मैं आप सभी लोगों के कमेंट पढ़ता रहता हूं और आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर वही जॉब अपडेट देने की कोशिश करूंगा। तो कमेंट करके ज़रूर से बता दीजिएगा। अब बात की जाए एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में, यहाँ पे अगर आपने 3 साल का डिप्लोमा किया है आप एलिजिबल रहेंगे, इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपने 4 साल का बीटेक कर रखा है तो भी आप एलिजिबल रहेंगे, इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ डिप्लोमा के लिए जो पोजीशन देखने को मिलेगा, डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग का पोजीशन रहेगा, और जिन्होंने बीटेक कर रखा है उनके लिए ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग का पोजीशन देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं ब्रांचेज कौन कौन सी एलिजिबल रहेगी। देखिए यहाँ पे दोनों में सेम ब्रांच एलिजिबल रहेगी, मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपने यहाँ पे इलेक्ट्रिकल के अंदर डिप्लोमा कर रखा है या फिर बीटेक कर रखा है आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने मैकेनिकल के अंदर डिप्लोमा या फिर बीटेक कर रखा है आप एलिजिबल रहेंगे। अगर आपने सिविल में कर रखा है डिप्लोमा या फिर बीटेक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। वहीं अगर आपने यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स में डिप्लोमा या फिर बीटेक कर रखा है आप यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। और यदि आपने यहाँ पे कंप्यूटर साइंस के अंदर डिप्लोमा या फिर बीटेक कर रखा है आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे सैलरी के बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं डिप्लोमा के लिए या फिर बीटेक के लिए तो आपका जो बीटेक के लिए सैलरी देखने को मिलेगा 17,500 रुपये आपका पर मंथ सैलरी देखने को मिलेगा, 17,500 रुपये आपको देखने को मिलेगा। वहीं डिप्लोमा की बात की जाए तो आपको 12,500 रुपये पर मंथ के हिसाब से सैलरी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। डायरेक्टली जो आपका सिलेक्शन रहेगा सीबीटी एग्जाम होगा उसी के बेस पे सिलेक्शन देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे लास्ट डेट 26 आपका 26 मार्च आपका लास्ट डेट रहने वाला है, तो उससे पहले पहले आपको अप्लाई कर देना है। चलिए अप्लाई प्रोसेस को जान लेते हैं। तो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, पास में जो घंटी वाला आइकन है उसको दबा दे ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। और आपको भाई इस चैनल पे इंजीनियरिंग जॉब अपडेट लाता रहता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने डायरेक्टली ऑफिशियली नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लिया है, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ मैंने उसको टेलीग्राम चैनल पे भी अपलोड कर रखा है तो आप वहाँ पे भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर पिन किया हुआ मिल जाएगा। तो जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे आपके सामने डायरेक्टली ऑफिशियली नोटिफिकेशन डाउनलोड होकर आ जाएगा, जैसा कि आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे हाईलाइट पॉइंट के बारे में, जो कि मैंने यहाँ पे पहले से हाईलाइट कर रखा है ताकि आप में से किसी का भी टाइम वेस्ट ना हो। वैकेंसी देखने को मिलेगा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की तरफ से, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज आपका रहने वाला है और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर ये कार्य करता है। साथ ही साथ यहाँ पे डायरेक्टली आपका वॉक इन टेस्ट रहेगा, इसमें आपका इंटरव्यू नहीं रहेगा, आपको जाना पड़ेगा इन्होंने जो वेन्यू मेंशन कर रखा है उस जगह और अपने टेस्ट को वहाँ पे अटेंड करना है। यहाँ पे ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, इंडिया में कहीं से भी बिलोंग करते हैं आप एलिजिबल रहेंगे। साथ ही साथ फ्रेशर के लिए ही वैकेंसी देखने को मिलेगा, एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट इसको अप्लाई नहीं कर सकते, 1 रुपये भी आपको यहाँ पे नहीं करना, फ्री का ये फॉर्म आपको देखने को मिल जाएगा। एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पे इन्होंने जारी कर दिया है, जैसा कि स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। 2 टाइप की पोजीशन देखने को मिलेगी, टेक्नीशियन का पोजीशन देखने को मिलेगा और ग्रेजुएट ट्रेनिंग का पोजीशन देखने को मिलेगा। ग्रेजुएट ट्रेनिंग के लिए बीटेक वाले अप्लाई कर सकते हैं, टेक्नीशियन के लिए डिप्लोमा कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दिया था और कौन कौन सी ब्रांचेज एलिजिबल रहेगी वो सारी चीज़ें हमने शुरुआत में बता दी थी। यहाँ पे आईटी वाले कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते, इसलिए मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि इसलिए वीडियो को शुरुआत से पूरा देखें, क्योंकि आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और कौन कौन सी ब्रांचेज एलिजिबल है वो मैं पहले ही कवर कर देता हूँ। साथ ही साथ बात की जाए यहाँ पे अप्रेंटिसशिप का पोजिशन आपका रहेगा और यहाँ से अप्रेंटिसशिप करने का फ़ायदा क्या है।
देखिए, सबसे पहले तो क्या रहता था कि यहाँ पे जो इनका परमानेंट रिक्रूटमेंट जब भी आता है, वहाँ पे 6 महीने से लेके 1 साल तक का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड रहता है। तो अगर आप यहाँ से अप्रेंटिसशिप कर लेते हैं तो आपको एक्सपीरियंस हो जाता है और इन्हीं की यहाँ पे कंपनी में एक्सपीरियंस हो जाता है। सैलरी वहाँ पे बहुत अच्छी खासी रहती है, तो आप अपना अप्रेंटिसशिप का एक्सपीरियंस एज ए एक्सपीरियंस काउंट करवा सकते हैं। जब भी इनका परमानेंट रिक्रूटमेंट आएगा तो वहाँ पर एज ए एक्सपीरियंस उसको लगा सकते हैं। सैलरी भी यहाँ पर बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। अगर आप यहाँ पर अप्रेंटिसशिप भी करते हैं तो बीटेक वालों के लिए 17,500 रुपये पर मंथ के हिसाब से यहाँ पर आपको स्टाइपेंड देखने को मिलेगा, और जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा है उनके लिए 12,500 रुपए पर मंथ के हिसाब से स्टैपेट देखने को मिल जाएगा। तो 1 साल वेस्ट मत करिए, आप यहां से अप्रेंटिसशिप करके रखें, अपॉर्चुनिटी जब भी आएगी तो वहां पे अप्लाई करेंगे, डायरेक्ट आपका सिलेक्शन देखने को मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। देखिए, यहां पे अगर आपने बीबीटेक कर रखा है या फिर अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है, ब्रांचेज आपको सेम देखने को मिलेगी। अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स में कर रखा है बीबीटेक या डिप्लोमा, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। सिविल में कर रखा है आप एलिजिबल रहेंगे, कंप्यूटर साइंस में कर रखा है आप एलिजिबल रहेंगे, इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल में कर रखा है आप बिल्कुल इसको अप्लाई कर सकते हैं। सेम ब्रांचेज यहां पे डिप्लोमा वालों के लिए भी देखने को मिल जाएगा, लेकिन यहां पे जो आपका एग्जाम डेट रहेगा वो आपका रहेगा 26 मार्च 2023। तो आपको 26 मार्च को यहां पे अपने एग्जाम को अटेंड करना पड़ेगा। वेन्यू यहां पे इन्होंने प्रोवाइड करवा दी, ये आपका वेन्यू आपको देखने को मिल जाएगा। टाइम के अकॉर्डिंग आपको जाना है, रिपोर्टिंग टाइम आपका अलग अलग रहेगा, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको चेकआउट कर लीजिएगा। जो यहां पे आपका एग्जाम टाइम रहेगा वो आपका एग्जाम टाइम रहेगा, रिपोर्टिंग टाइम आपको यहां पे जो इन्होंने वेन्यू दे रखा है इस पे आपको रिपोर्टिंग करना पड़ेगा। साथ ही साथ यहां पे जो आपका सिलेक्शन रहेगा ओनली फॉर आपका रिटन टेस्ट रहेगा, उसी के बेस पे आपका सिलेक्शन देखने को मिलेगा। यहां पे आपको 1 रुपया पे नहीं करना, फ्री का ये फॉर्म आपका यहां पे रहने वाला है। एंड यहाँ पे सिलेबस क्या रहेगा, देखिए अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है या फिर अगर आपने बीबीटेक कर रखा है तो बेसिक लेवल के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, आप ही की ब्रांच से यहाँ पे सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आने वाले हैं, अदर से रिलेटेड कुछ नहीं आएगा। आपकी ब्रांच अगर मैकेनिकल है, सिविल है, इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, कंप्यूटर साइंस है, उससे रिलेटेड आपसे बेसिक सवाल पूछे जाएंगे। अब यहाँ पे बात की जाए कि आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैच होना चाहिए, और यहाँ पे पास आउट ईयर कौन कौन से एलिजिबल है वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप 2020 में पास आउट हुए हैं आप यहाँ पे जा सकते हैं, अपने एग्जाम को अटेंड कर सकते हैं। 2021 में पास आउट हुए हैं आप यहाँ पे जा सकते हैं, अपने एग्जाम को अटेंड कर सकते हैं। और 2022 में जो कैंडिडेट यहाँ पे जिन्होंने बीबीटेक किया या फिर डिप्लोमा किया है वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। 2023 के लिए अभी अपॉर्चुनिटी आएगी आगे, और 2019 वाले यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते, और 19 से पहले वाले यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। MHRD नेट्स पोर्टल पे जाके आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है, नेट्स का ID आपके पास होना जरूरी है। साथ ही साथ बात की जाए यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में कि आपका रिटर्न एग्जाम होगा तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने हैं। ये जो देख रहे हैं आप यहाँ पे, ये सारे डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे लेके जाने पड़ेंगे। आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए, अगर आप कैटेगरी में आते हैं तो SC ST OBC SPWD, या फिर आपके पास अप्रेंटिसशिप रजिस्ट्रेशन का कॉपी होना जरूरी है। 10वीं का मार्कशीट लेके जाना है, प्रोविजनल ओरिजिनल आपको BBTEC के डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट लेके जाने जरूरी है। साथ ही साथ आपके पास डिप्लोमा किया है तो डिप्लोमा के सर्टिफिकेट आपको लेके जाने पड़ेंगे, जो कि यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है, और जो पेपर देंगे उन्हीं का सिलेक्शन होगा, यहां पे इन्होंने बोल रखा है। यहां पे ऐसा नहीं है कि मेरिट लिस्ट बनेगा डायरेक्टली आपके जितने भी मार्क्स आए हैं, यहां पे आपको एग्जाम देना जरूरी है। साथ ही साथ यहां पे आपका 1 साल का ट्रेनिंग रहेगा, और ट्रेनिंग के बाद आपको वहां पे एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवा दिया जाएगा जिसको आप एज एक्सपीरियंस काउंट करवा सकते हैं इनकी जब भी वैकेंसी निकलेगी। एंड यहां पे जिन्होंने बीबीटेक कर रखा है उनके लिए 17,500 रुपये पर मंथ के हिसाब से स्टाइपेंड देखने को मिलेगा। डिप्लोमा कर रखा है उनके लिए 12,500 रुपये पर मंथ के हिसाब से स्टाइपेंड देखने को मिल जाएगा। सैनिटाइजर आपको लेना जरूरी है, जो कि यहां पे इन्होंने मेंशन कर रखा है। बाकी यहां पे इससे रिलेटेड कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कुछ भी पूछना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इस नोटिफिकेशन को जरूर से डाउनलोड कर लेना, यहां पे इन्होंने वेन्यू को मेंशन कर रखा है जिसका लिंक मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े हैं तो वहां पे भी मैंने आपको प्रोवाइड करवा दिया। तो मेरे भाई आज के लिए बस इतना ही, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा उन लोगों तक जिनको जॉब की नीड है, एंड कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना कि आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन कौन सा है और आप कौन सी जॉब सर्च कर रहे हैं, ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको वही जॉब देखने को मिले। ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।